नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लान की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड में लिस्ट डिजाइन के बारे में। दोस्तों, वर्ड में हम तीन तरह से लिस्ट डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट बुलेटेड लिस्ट, सेकंड नंबर्ड लिस्ट और थर्ड मल्टी लेवल लिस्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपको तीनों तरह की इन लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बुलेटेड लिस्ट की। जैसा इसका नाम है बुलेट्स, बुलेट्स का मतलब होता है गोली। और आपको जो लिस्ट बनानी है उसके आइटम आप जब टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा टीवी, सीपीयू, इस तरह के मैं लिस्ट आइटम यहाँ टाइप कर रहा हूँ। अब जब आप इन आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद होम टैब में पैराग्राफ सेक्शन से आपको सेलेक्ट करना है बुलेटेड लिस्ट। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा कि आपके जो लिस्ट के आइटम्स थे उनके आगे सर्कल टाइप का एक सिंबल आ गया है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हम बुलेटेड लिस्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। अब आप जैसे ही नेक्स्ट आइटम के लिए एंटर प्रेस करते हैं, एक और सिंबल आपके सामने है। आप यहाँ पर जो भी आइटम लिखना चाहें वो यहाँ टाइप कर सकते हैं। इस तरह से जब जब हम एंटर प्रेस करेंगे नए आइटम के लिए बुलेट्स इंसर्ट हो जाएगा। जब आप अपनी लिस्ट को एंड करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी एक बुलेट दिखाई दे रहा है। अब ये बुलेट हमको रिमूव करना नहीं चाहिए, तो आप फिर से एक एंटर और प्रेस कीजिए, ये बुलेटेड लिस्ट यहीं पर एंड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने बुलेटेड लिस्ट को डिज़ाइन कर लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इसे चेंज करना है। तो इसके लिए आप अपने लिस्ट आइटम्स को सेलेक्ट कर लीजिए और बुलेटेड लिस्ट के जो सिंबल था, जो आइकॉन था, उसके पास में एरो का साइन है। उस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के आइकॉन्स यहाँ दिखाई देंगे। बस आप अपना माउस मूव कीजिए, किस तरह का आपको आइकॉन यहाँ चाहिए आप आइकॉन सेलेक्ट कीजिए और उसको क्लिक कर दीजिए। तो ऐसा करने पर आपको अपनी बुलेटेड लिस्ट में नया आइकॉन दिखाई देगा। अब जब आप एंटर करेंगे तो नए आइकॉन के साथ आप अपने लिस्ट आइटम को टाइप कर पाएंगे। और जब आप एंड करना चाहते हैं तो आप फिर से एंटर प्रेस कीजिए, ये आइटम यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए रिमूव हो गया। तो ये था बुलेटेड लिस्ट। आप अगर और कोई सिंबल जो यहाँ पहले से डिफाइन है उनके अलावा कोई नया सिंबल लेना चाहते हैं तो नीचे डिफाइन न्यू बुलेट लिखा हुआ है, यहाँ आप क्लिक कीजिए और सिंबल्स पर जाकर आप जो भी सिंबल यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट कर लीजिए, तो वो वाला सिंबल आपके बुलेट के फॉर्म में आपको अपने पेज पर दिखाई देगा। ओके, अब देखिए नया सिंबल मेरे पास आ गया है। इस तरह से मैं नए सिंबल के साथ अपनी बुलेटेड लिस्ट को डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये सीखा आपने बुलेटेड लिस्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, सेकंड टाइप ऑफ लिस्ट जो है वो है नंबर्ड लिस्ट। यदि आप पहले से बुलेटेड लिस्ट डिज़ाइन कर चुके हैं और उसे नंबर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने लिस्ट आइटम्स को सेलेक्ट कर लीजिए और बुलेटेड लिस्ट के आइकॉन के पास आपको नंबर्ड लिस्ट का आइकॉन दिखाई देगा। बस आप वहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारे सारी बुलेटेड लिस्ट के आइटम नंबर लिस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे ही आप लास्ट आइटम के बाद एंटर प्रेस करेंगे आपको नया नंबर दिखाई देगा जहां आप नए आइटम को लिख पाएंगे, टाइप कर पाएंगे। अब मुझे ये जो नंबर्स हैं इनकी स्टाइल बदलनी है, तो आप अपने आइटम्स को सेलेक्ट कीजिए और नंबर लिस्ट के आइकॉन के पास जो एरो का साइन है उस पर क्लिक करके आप इनकी नंबर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देखिए रोमन नंबर्स भी हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट ए बी सी डी भी हैं, रोमन और स्मॉल, विद ब्रैकेट, विदाउट ब्रैकेट, सारी स्टाइल के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो आसानी से नंबर लिस्ट आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लिस्ट डिज़ाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप आइटम सेलेक्ट कर लीजिए और जो आइकॉन था नंबर्ड लिस्ट का उसमें से फर्स्ट ऑप्शन नन, इसका यूज़ कर लीजिए। इससे आपकी पूरी लिस्ट में जो नंबर थी वो सब गायब हो गए। इसी तरह से यहाँ से आप बुलेट्स पर क्लिक करेंगे तो वो सारे आइटम बुलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और नंबर पर क्लिक करेंगे तो नंबर्ड लिस्ट में आपको सारे आइटम शो होने लगेंगे। दोस्तों, थर्ड टाइप की जो लिस्ट होती है वो होती है मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें हम लेवल्स बना सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि क्लास 10th, इस तरह से मैंने यहाँ पर टाइप किया, ये मेरा मेन पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए आपको नंबर्ड लिस्ट आइकॉन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ 4 आ गया क्योंकि प्रीवियस लिस्ट अभी तक कंटिन्यू हो रही है, हमें इस प्रीवियस लिस्ट को ब्रेक करना है। तो उसके लिए आपको फ्रेश लिस्ट बनानी होगी। तो यहाँ से आप जब 4 आ रहा है
तो आप इस नंबर लिस्ट वाला आइटम पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे सेट नंबरिंग वैल्यूज लिखा हुआ है, यहाँ जाकर आप 4 की जगह 1 टाइप कर दीजिए। ऐसी कंडीशन पे वो देखिए 1 नंबर वाला आइटम आपको यहाँ शो होगा। अब मुझे सेकंड लिखना है, तो मैंने जैसे एंटर प्रेस किया सेकंड आइटम मेरे लिए यहाँ इंसर्ट हो गया है, लेकिन मुझे फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट बनाना है, यानी पहले का पहला पॉइंट बनाना है। ऐसी कंडीशन में आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है टेप की। देखिए जैसे टेप की प्रेस किया, अपने आप वहाँ पर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है जो कि बुलेटेड लिस्ट को शो कर रहा है। यहाँ मैंने लिख दिया क्लास 10 का सेक्शन ए, इस तरह से टाइप कर दिया। जब मैं एंटर करूँगा तो सेक्शन बी, ये सेकंड पॉइंट बन रहा है। इस तरह से आप जितने सेक्शंस बनाना चाहें, तो फर्स्ट पॉइंट के सब पॉइंट हम लोग बना रहे हैं। इस तरह से अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मैं फिर से बैक वाले लेवल पे यानी फर्स्ट लेवल पर चला गया। यहाँ मैंने लिख दिया इंडिया, इंडिया ये मेरा सेकंड पॉइंट है। अब इंडिया के अंदर मैं राजस्थान टाइप करना चाहता हूँ, तो मैंने टेप प्रेस किया। टेप प्रेस करने पर आपको सेकंड लेवल या इंसर्ट करने की फैसिलिटी मिलती है, आप यहाँ राजस्थान टाइप कर सकते हैं। अब राजस्थान में मुझे एक लेवल और बनाना है उदयपुर के लिए, तो मैंने टेप प्रेस किया, तो फिर से आपको एक लेवल और दिखाई दे रहा है, UDAIPUR उदयपुर। इस तरह से उदयपुर में आप और भी लेवल बनाना चाहते हैं, तो फिर से मैंने प्रेस किया, यहाँ मैंने लिख दिया सेक्टर 5। तो देखिए मल्टी लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। अब आप और कोई कंट्री टाइप करना चाहते हैं तो, या फिर कोई और स्टेट टाइप करना चाहते हैं, या और कोई सिटी टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। तभी उदयपुर के अंदर सेक्टर 5, सेक्टर 4, इस तरह से हम टाइप कर रहे हैं सेक्टर 5, और भी कोई सेक्टर आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नई सिटी टाइप करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे एक एंटर प्रेस करने पर मैं सेक्टर 5 के लेवल में आया हूं, और एक एंटर और प्रेस करूंगा तो बाहर जाने के लिए अब मुझे एंटर प्रेस करना है। तो देखिए उदयपुर के उस लेवल पर मैं आ गया हूँ, या मैं कोई और सिटी टाइप कर देता हूँ, उदयपुर के बाद जयपुर लिख देता हूँ। फिर जयपुर के अंदर भी हम कोई और सेक्टर्स टाइप करना चाहते हैं, तो टेप से हमें लेवल चेंज करना है, और लेवल से बाहर निकलने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है। ये एंटर प्रेस किया जयपुर, देन एंटर प्रेस किया स्टेट, यानी राजस्थान वाले लेवल में आ गए, और एंटर प्रेस करेंगे तो फर्स्ट लेवल पर आ जाएंगे, यानी इंडिया क्लास। इस लेवल पर हम एंटर प्रेस करने से बाहर आते हैं लेवल से, और टेप की प्रेस करने से हम लेवल में इंसर्ट करते हैं, नए लेवल्स को इंसर्ट करते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। जब आप पूरी लिस्ट को क्लोज करना चाहें, एंड करना चाहें, तो फिर से एंटर प्रेस कीजिए, आपकी लिस्ट तैयार हो चुकी है मल्टी लेवल। अब आप इसको अलग अलग एग्जांपल के थ्रू इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों तो हमने सीखा 3 तरह की लिस्ट के बारे में, बुलेटेड लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट को मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में और अच्छी तरह से डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।